डॉग के टिक होने पे कई तरह के स्प्रे यूज़ करे, जब कुछ फ़र्क नहीं हुआ तो हमने एक घरेलू नुस्खा आजमाया। इसमें हमने एक बाउल में थोड़ा सा पानी लिया और उसमें आधा एक चम्मच के करीब हमने वाइट विनेगर डाला और उसमें थोड़ा सा खाने वाला एक चुटकी से भी कम सोडा डाला। इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिला के हमने एक तरह का लिक्विड घोल तैयार कर लिया, जो कि काफ़ी कम जहाँ पर डॉग के टिक हैं वहाँ पे उसको ओपन करके एक पुरुष की सहायता से उस जगह पर लगा दो और तभी एक ही मिनट में वो टिक मर जाती है। और जहाँ बहुत हल्के हल्के से ब्लैक कलर के डॉट दिखाई दे रहे हों वो डॉग के वो टिक के एग्स होते हैं, उन पे भी जरूर लगाएं और ये रेगुलर 2-3 दिन यूज़ करें, आपकी सारी टिक खत्म हो जाएंगी। मैंने इसको यूज़ करा है और मुझे डॉग के टिक में बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि हम काफ़ी परेशान हो गए थे, डॉग की टिक नहीं ख़त्म हो रही थी। लेकिन इसको रेगुलर 2-3 दिन यूज़ करो, जहाँ जहाँ आपको दिखाई दे वहाँ वहाँ पे लगाओ और इसके एग पे जरूर देख के लगाओ, क्योंकि वो जो जो छोटे छोटे से डॉट होते हैं ना वही अगले दिन बड़ी सी टिक बन जाती है। डॉग की टिक ह्यूमन की तरह काली जू की तरह होती है और एक जो चीचड़ी सी होती है लाल तरह लाल वो ऐसी होती है, वो लाल और काली दो तरह की होती है। काली वाली ज़्यादा डेंजरस होती है, उससे टिक फीवर काटने से टिक फीवर हो जाता है। ये वाला सॉल्यूशन दोनों तरह की टिक पे काम करता है। अगर वहाँ से वो हट भी नहीं रही, इसको हटा देते हैं तो वो थोड़ी सी देर बाद इजी तरीके से हट जाती है, उसका डंक उसके अंदर नहीं रहता, जिससे कि टिक फीवर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और टिक पे पहले ये सॉल्यूशन लगाएं, उसको सॉल्यूशन लगाने के बाद उसको हल्के से किसी बुरुसी की सहायता से या किसी हल्के से नुकीली चीज़ से उससे हटाने की कोशिश करें, जिससे कि उसका डंक उसके अंदर ना रहे। ये बड़ी वाली जो टिक होती है उन पे भी काम करता है। ये काफ़ी असरदार फार्मूला है जो मैंने यूज़ करा है।